हेलो गाइस, होप यू आर वेल। बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया था कि आप फुल वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? तो चलो आज हम आपको बताते हैं फुल वीडियो में कि स्लाइडिंग डोर की फिटिंग कैसे करते हैं वार्डरोब में। ये टॉप ट्रैक होता है स्लाइडिंग डोर के लिए। सो हमने पहले इधर होल्स कर लेने हैं जो हमने स्क्रू लगा के इसके ऊपर पैनल में अटैच करने के लिए। ये देखो, इसके अंदर दो ट्रैक बने होते हैं, एक फ्रंट डोर चलने के लिए और एक बैक डोर चलने के लिए। सो हम इसको इधर फिटिंग कर देंगे। इसका इसके अंदर हमने स्क्रू और ड्रिल ले लेनी है। ये देखो, हमने होल्स किए हुए हैं ऑलरेडी। सो इधर लगा के इधर भी लगा देने और इधर भी लगा देने। जब भी टॉप ट्रैक लगाना है आगे से जस्ट इक्वल रखना है इसको। ये देखो सारे लगे, इसको फिटिंग हो गई है ट्रैक। ये बॉटम ट्रैक है। सो हमने इसके इसके ऊपर रख देना है बेस के ऊपर। पर अभी हमने इसको स्क्रू नहीं लगाने जब तक हम अपने डोर से रख के सेटिंग्स प्रॉपर नहीं कर लेते। सो अभी हमने इसको जस्ट फ्री स्टैंडिंग रहने देना, लास्ट में हम इसको फिक्स करेंगे और बताएंगे कैसे करते हैं। ये हमारे स्लाइडिंग डोर्स है, चार स्लाइडिंग डोर्स है। फिर हम इसका सारा पैकिंग खोलेंगे और इंस्टॉल करेंगे इसको। ये टॉप साइड है और जो जो है ये बॉटम साइड है, बॉटम का व्हील जो देखो आप। और इधर सॉफ्ट क्लोज है लेफ्ट साइड में, ये देख सकते हैं। अब ऐसे सॉफ्ट क्लोज चलेगा। अब हम आपको बताएंगे इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। सो हमने ये सॉफ्ट क्लोज से निकाल लेना है ये क्लिप। सो बाद में हम इसकी फिटिंग करें। अब हम डोर आपको ट्रैक के अंदर डालते हुए दिखाएंगे। पर ट्राई करना, अगर दो पर्सन हो तो ज़्यादा ईजी है, अगर सिंगल है तो थोड़ा सा हार्ड है। पर ये देखो, हमने पहले इसको ये देखो ट्रैक में व्हील डाल लेने, तो नीचे वाला बाद में करना है। देखो मैंने पाँव से होल्ड किया, इस ये व्हील होते इसको उठा लेना है हमने। सो ये व्हील उसके ग्रूव में डाल देने हमने। और इधर भी देखो, ये भी वो ग्रूव के अंदर व्हील बैठ गया और हमने इसको छोड़ देना है। ये देखो आपका स्लाइडिंग डोर डाल दिया ट्रैक के अंदर। पर अभी हमें इसकी फिनिशिंग करनी है, क्योंकि इसकी सारी सेटिंग जैसे लेवल है वैसे इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी हमको, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे। ये जो साइड में होती है गैस्केट होती है, इसके अंदर ना स्क्रूज होते हैं जिसके साथ हम सेटिंग कर सकते हैं। ये देखो, ये एडजस्ट होती है, ऊपर को जाती है नीचे को जाती है। जब हम ऊपर करेंगे तो आपको इधर से स्क्रू दिखेगा। फिर हम एलन की लेंगे, जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये जो डोर है इधर से ऊपर को जाएगी। जब हम इसको लूज करेंगे तो ये डोर इधर से नीचे जाएगी। अब ये देखो, हम जब दो डोर स्लाइडिंग वाले ऐसे टच करते हैं, अगर मान लो इसके ऊपर इधर गैप आ रहा है तो हमको उधर से स्क्रू टाइट करना है ताकि वो डोर इधर को आ जाए। अगर उसकी सेटिंग फुल हो गई है फिर आप इस डोर को भी इधर से उठा सकते हो। और इधर से भी मेक श्योर गैप को देखना है कि सारा इक्वल आना चाहिए इधर। अब ये सारी डोरें अब सेटिंग है, इसको जरूरत नहीं है कुछ सेटिंग करने की। ये देखो पूरा इसके साथ पूरा टच है, कुछ गैप नहीं आ रहा इसके अंदर। सो जो सारी सेटिंग होती है वो इसके अंदर होती है, जो साइड में गैस्केट है ना। सो इधर भी सेटिंग के लिए हम इसको नीचे कर देंगे ताकि इसकी जरूरत नहीं है। जब हम इसको नीचे करेंगे तो तब ये कवर हो जाएगी। बॉटम ट्रैक है, इसको हमने कैसे फिक्स करना है। अब डोर्स हमने सारे सेटिंग कर ली हुई है, ये प्रॉपर अब चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं अब इनका। सो ये देखो, जो जो बॉटम वाला ट्रैक है ये ऊपर वाले ट्रैक से थोड़ा सा छोटा होता है। सो हमने आगे से इसको फ्लश नहीं करना, थोड़ा सा पीछे रखना है, इसे 5 mm छोटा रखना है ताकि जब हम ये डोर खोलें तो इधर हमको अलाइनमेंट देखनी है कि ये ऐसे ना हो कि डोर नीचे से बाहर को हो और ऊपर को अंदर को हो। सो जी हमने लेवल चेक कर लेना है। सो उसी हिसाब से हमको उधर इसको स्टेबल कर देना है। अब हम स्क्रू लेंगे, जो ये ग्रूविंग दिख रहा है ना, हम इसके अंदर से इसको साथ फिक्स करेंगे हम। स्क्रू अब इसके अंदर फिक्स हो गया। करने को स्टिकी टेप के साथ भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं है। सो इसलिए बेटर है स्क्रू के साथ ही इसको फिक्स करो। अब ये सारा हो गया, अब हम आपको बताएंगे इसको सॉफ्ट क्लोज कैसे करना। अब ये देखो, ये कैसे भाग रही है डोरे। ये देखो वो को उसको टक्कर दी तो वो भी आगे से चल गई। सो हमको इसको इधर स्टेबल भी करना है, इसलिए हम इसको सॉफ्ट क्लोज करेंगे। डोर को सॉफ्ट क्लोज लगाएंगे। सो जो बैक साइड वाली डोर है, ये हैंडल्स के पीछे हमको हाइड करनी है, ऐसे विजिबल नहीं रखने सभी हैंडल। इसको पीछे हाइड कर दिया,
ते राइट साइड वाली डोर को उसके पीछे हाइड कर दिया। ठीक है, इक्वल रख के फिर इधर हमको मार्क करना है सॉफ्ट क्लोज के लिए। ये इधर सॉफ्ट क्लोज है, हमने इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना इस साइड भी और इस साइड भी। फिर डोर ओपन कर लेने, ये हमारा मार्क इधर विजिबल हो रहा है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, सो गाइस अब हम ये सॉफ्ट क्लोज का लगाएंगे क्लिप जो होता है। ये जब भी लगाना है इसको इधर 4 और 5 mm का गैप देना है इसको, और ट्रैक के साथ हमने टच नहीं करना। ये देखो अब डोरे ऑटोमेटिक बंद होगी, इधर से छोड़ा इसको ये उधर ही स्टॉप हो जाएगी। तो जो अब ये वाली डोर है ये भी देखो ये सभी सॉफ्ट क्लोज है, ये भी इधर से पुश करो, इसको इधर को पुश करो, जितना मर्जी जोर से इसको चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। ये देखो स्लाइडिंग डोर की फिटिंग विद एलईडी लाइट्स। टूल्स और इधर भी है बड़े साइज में डोर्स। सॉफ्ट क्लोज थैंक।